दोस्तों, व्हाट इज इंटरनेट वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे इंटरनेट बिल्कुल रोड्स की तरह होता है, रेल रोड्स की या रोड्स की तरह होता है, जो जगहों को आपस में कनेक्ट करते हैं, और ठीक वैसे ही इंटरनेट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो अगर ये रोड्स की तरह है, तो यहाँ पर रूल्स ऑफ रोड की तरह कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे कि रोड्स के बेसिक रूल्स होते हैं कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है, आपको ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, या जिब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी है। ठीक वैसे ही इंटरनेट के अंदर भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे बेसिक रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, और उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और आज के वीडियो में सबसे बेसिक रूल की बात करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य, और आज बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो दो बेसिक काम होते हैं, वो होता है पहला एड्रेसिंग और दूसरा होता है फ्रैगमेंटेशन। एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है? जब आपको रियल वर्ल्ड में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो आप क्या करते हो, आप गूगल मैप्स खोलते हो, वहाँ पे कोई एड्रेस डालते हो, और एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस का तक का आपको नेविगेशन कैसे जाना है, ये रास्ता आपको गूगल मैप्स बता देता है, और आप अकॉर्डिंगली जा सकते हो। ठीक वैसे ही इंटरनेट के केस में हर एक डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आईपी एड्रेस मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि हर एक कनेक्टेड डिवाइस के लिए यूनिक होना चाहिए, और इससे डेटा को पता चलता है कि उसको कौन से एड्रेस से कौन से एड्रेस तक जाना होता है, और अकॉर्डिंगली डेटा एक एड्रेस से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच पाता है, भले ही वो कोई सर्वर हो, वो कोई फ़ोन हो, वो कोई लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो कुछ भी हो। हर एक राउटिंग जो भी होती है, वो सारा एड्रेसेस के जरिए ही होता है। अब दूसरा पार्ट है फ्रैगमेंटेशन। जैसे कि रोड्स में होता है, आप रोड में पैदल भी चल सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, अपनी खुद की कार से जा सकते हो, बसेस से जा सकते हो, मतलब मोड ऑफ कम्यूटेशन कई सारे हो सकते हैं, और हर एक मोड ऑफ कम्यूटेशन का अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी होती है। मतलब अगर आप पैदल जा रहे हो, तो आप एक आदमी जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, एक आदमी जा रहा है, बाइक से जा रहे हो, दो आदमी जा रहे हैं, कार से जा रहे हो तो चार पाँच आदमी जा रहे हैं, बस से जा रहे हो तो बहुत सारे आदमी जा रहे हैं। अब हर एक ठीक वैसे ही अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन की अलग अलग होती है, जैसे आपके कुछ स्लो इंटरनेट होते हैं, कुछ फास्ट इंटरनेट होते हैं, और वहाँ पे जब किसी बड़े चंक ऑफ डेटा को, मतलब कोई बहुत बड़ी डेटा, जैसे कि कोई मूवी हो गई जो 1.5-2-3 GB की है, उसे अगर ट्रांसफर करना है किसी छोटे स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे, तो वहाँ पे डेटा को तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और इस हर एक ऐसे हर एक टुकड़े को डेटा ग्राम कहते हैं, और बेसिकली फिर बड़े चंक को तोड़ के छोटे छोटे डेटा ग्राम से डिवाइड करके ट्रांसमिट किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को बड़े डेटा को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ना ही फ्रैगमेंटेशन होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली दो काम करता है, पहला एड्रेसिंग और दूसरा फ्रैगमेंटेशन, जो दोनों ही डेटा को कम्यूट करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट IPv4 की, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 बेसिकली एक एड्रेसिंग सिस्टम है, जिससे डिवाइसेस को, इंटरनेट में कनेक्टेड डिवाइसेस को एड्रेस दिया जाता है, एड्रेस असाइन किया जाता है, और IPv4 वो पहला वर्जन था इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए अवेलेबल था। अब IPv4 बेसिकली IPv4 के साथ ये है कि ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड कोड होता है, और कुछ इस तरह का दिखता है, और प्रॉब्लम ये है कि लगभग 1980 से इसके एग्जॉस्ट होने के, मतलब जो जितने पॉसिबल एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं IPv4 के ज़रिए, उनके ख़त्म होने की अटकलें लगाई जा रही थी, और फाइनली हमारे पास लगभग अवेलेबल आईपी एड्रेस IPv4 के अंदर अवेलेबल आईपी एड्रेसेस से 6 गुना ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हो गई। तो जुलाई 2017 के आसपास IPv6 को, जो कि IPv4 का नेक्स्ट वर्जन है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और बेसिकली ये IPv4 से बहुत 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 ही ज़्यादा, लगभग 10^27 गुना ज़्यादा एड्रेसेस असाइन कर सकता है। अगर आपको पता नहीं ये कितना होता है, तो स्क्रीन में जितने ज़ीरो दिख रहे हैं, एक के आगे जितने ज़ीरो दिख रहे हैं, लगभग इतने गुना ज़्यादा एड्रेसेस ये असाइन कर सकते हैं। और बेसिकली जो आपको, जो एंड यूज़र को जो विजिबल डिफरेंस दिखेगा, वो ये है कि IPv6 क्योंकि हेक्स कोड में रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 सेगमेंट के, 4-4 के ग्रुप के 8 सेगमेंट में हेक्स कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे आपको देखने में जो फ़र्क आएगा वो ये है कि अभी तक आईपी एड्रेसेस में सिर्फ नंबर का यूज़ किया जाता था, IPv4 में सिर्फ नंबर्स का यूज़ किया जाता था, अब IPv6 में आपको ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स भी आईपी एड्रेसेस के अंदर दिख सकते हैं। तो बेसिकली आईपी एड्रेस का काम होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है कि इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को एड्रेसिंग करना, और बड़े डेटा चंक्स को छोटे डेटा ग्राम्स में डिवाइड करना, ताकि कम्यूट करना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाना
करना आसान हो, और बेसिकली ये बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से इंटरनेट में डेटा का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पॉसिबल हो पाता है। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं इंटरनेट कैसे काम करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स नाम की एक सीरीज ला रहा हूँ जिसका ये दूसरा एपिसोड है, और फ्यूचर एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसलिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।